मैंने तू बस नहीं मांगी तू आरी की तरह। परफेक्ट राजा। यू नो दैट। ओ परफेक्ट। गाइस वेलकम बैक। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दीपक। फिर आ चुका हूँ एक नए जगह के साथ। तो अभी जस्ट गाड़ी ने हमें डाउनटाउन में अभी जस्ट ड्रॉप किया और अभी हम लोग जा रहे हैं दियो कैसन पैलेस। तो ये पैलेस एज पर ड्राइवर ने मुझे बताया ये रोम एम्पायर है। तो ये 300 BC पुराना है। तो हम यहाँ पर जाने वाले हैं। तो जब रोम यहाँ पर आए थे और ये सिटी में एंटर किए थे तो उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ पर एक मेरा पैलेस बनाना है जहाँ पे मैं रहूँगा। तो ये सिटी का पहला पैलेस था यहाँ पे स्प्लिट का। तो हम लोग यहाँ पे जाने वाले। तो ये मेरे सामने ही आप देखोगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और पूरा एकदम ओल्ड और विंटेज पैलेस ही है। तो यहाँ पे एंट्री फीस नहीं लगेगा एज़ पर टैक्सी ड्राइवर ने हमें बताया। और आज मेरा स्प्लिट में तीसरा दिन है। कल हम लोग ने पूरा आइलैंड टूर किया था तो थक गए थे। तो ये डाउन टाउन है एक्चुअली। तो डाउन टाउन में आपको ये पैलेस मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं और यहाँ पे आप आओगे तो आपको मैं सिटी की टूर भी आज कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र और आपको मैं टाउन दिखाता हूँ। ये यहाँ पे स्प्लिट में गलियाँ बहुत छोटी छोटी है, आपको मज़ा आएगा। ये देखिए देखिए तो पूरा विंटेज है, मज़ा आएगा आपको देखने में। ये है पैलेस, आप क्राउड देख रहे हो कितना सारा है। ये देखो ये पूरा ये पैलेस रोमन एम्पायर में बना हुआ था। 300 BC पुराना ये एम्पायर है। तो यहाँ पे जाने की कोई चार्जेस नहीं है। पर आप मेरे आजू बाजू देखोगे, देखो रोमन एम्पायर में सब इनके सिपाहिया ये सब रहते थे। तो ये सब लोग देखो कितने सारे यहाँ पे तो रोमन एम्पायर। तो अभी जस्ट क्वायरी निकाला मैंने और पता चला कि टिकट का प्राइस है, ड्राइवर जो टैक्सी ड्राइवर था उन्होंने बोला था कि फ्री में, पर ऐसा नहीं है। और अगर आपको ऊपर तक जाना हो टॉप पे तो 40 kuna है और नीचे ही आपको जाना हो तो 30 kuna है। और उसके लिए भी लाइन है, बहुत बड़ा लाइन है। तो हमने सोचा कि थोड़ा स्किप करते हैं, बिकॉज लाइन में खड़े रहेंगे तो फिर 1-2 घंटा वेस्ट हो जाएगा ऐसे ही। तो हम इधर आजू बाजू के होटल थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, रेस्टोरेंट थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और पहले हम लोगों ने बोला कि आजू बाजू घूमते क्या है, उसके बाद जैसे लाइन कम होगा तो हम लोग अंदर भी जाएंगे। तो ये टाउन आपको मैं वापस दिखाता हूँ। ये देखिए सब के सब फॉरेनर्स हैं यहाँ पे, लोकल लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। सब के सब आपको फॉरेनर्स मिलेंगे यहाँ पे। आजू बाजू देखो आप, पेंटिंग्स मिल जाएगी आपको, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। अभी हम यहाँ पे आए हैं लोकल मार्केट में। तो आप देख सकते हो ये यहाँ का लोकल मार्केट है। यहाँ पे आपको ओल्ड या विंटेज चीज चाहिए तो मिल जाएगी। और यहाँ का हनी बहुत अच्छा होता है मैंने सुना है। और क्योंकि जागरे में था तो लोग मुझे बोलते थे कि यहाँ का हनी बहुत अच्छा होता है। बाकी तो नॉर्मल चीज़ें जैसे कि स्पैक्स हो गए, सनग्लास और टी शर्ट्स हो गए। अब कुछ अलग चीज़ तो आप ढूंढ के पा सकते हो, यहाँ पे मिल जाएगा। खाने के ऑप्शन बहुत सारे, देखो मैं आपको बता दो तो, यहाँ का लोकल मार्केट है। तो सेम आपको मैं हनी के बारे में बता रहा था। तो ये जो हनी है देखोगे आप, एकदम प्योर फॉर्म में है, दिख रहा है। ऐसा तो हर जगह दिखता है पर जब टेस्ट करते तो पता चलता है, कभी कभी स्कैम भी निकलता है सब। तो हमेशा सोच समझ के ट्राई करना अगर आपको करना हो तो। तो मेरे पीछे देखोगे तो पूरा बीच है और यहीं से हमने आइलैंड टूर किया था कल। और ये साइड पूरे ओपन रेस्टोरेंट्स है। और यहाँ पे तो मैं आपको लेके गया था इसके पहले, यहाँ पे भी लेके गया। तो अब मैं सोच रहा हूँ वाली स्ट्रीट जाएंगे, वाली स्ट्रीट में देखते कि क्या है। ये पूरा स्ट्रीट पूरा रेस्टोरेंट्स है अलग अलग। और मैंने आप मेरे पहले वाले वीडियो में देखा होगा, फर्स्ट वीडियो में, उसमें मैं इंडियन रेस्टोरेंट लेके गया था। रो करके रेस्टोरेंट है वो पहला, यहाँ पे एक ही इंडियन रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे सब इलेक्ट्रिक रिक्शा ज़्यादा चलती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो तो ये इलेक्ट्रिक रिक्शा है। और यहाँ से आपको ये सिटी टूर करनी हो तो कर सकते। ब्रो हाय, हाउ आर यू? हाउ मच यू टेक फॉर द सिटी टूर फॉर दिस? 1.5 hours ऑल अराउंड द टाउन, 80 euros। सो 80 euros? 80 ओके, 80 euros। ओके ओके ओके, 80 euros।
तो आपको पूरा सिटी का टूर करना हो तो ये भाई है, आपको मिलेंगे और ये आपको पूरा पॉइंट्स कहाँ कहाँ घूमना बताएगा और ₹80 लेगा। यहाँ पे ई रिक्शा भी है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ई रिक्शा है। ऐसी रिक्शा भी लेके आप ट्रैवल कर सकते हैं, ई रिक्शा थोड़ी चीप रेट में मिल जाएगी। ऐसी रिक्शा चाहिए अगर फैमिली के लिए तो ₹80 में आपको मिल जाएगी। और कुछ टाइम में के बाद यहाँ पे पूरा यूरोज यूज़ होने वाला है, ऑलमोस्ट अभी 4 महीना और बचा है, उसके बाद यहाँ पे लोग यूरोज यूज़ करेंगे। तो अभी आगे चलते हैं हम लोग, तो काफ़ी अच्छी जगह है स्प्लिट, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। विंटेज भी है, सी साइड भी है, माउंटेन भी है, सब कुछ है यहाँ पे, तो अच्छी लोकेशन है। वैकेशन के लिए आना तो बेस्ट पार्ट है। मैंने देखा कि बहुत कम इंडियंस देखे मैंने यहाँ पे, पर है बहुत आए थे यहाँ पे पर बहुत कम थे। हार्डली मैंने 3 दिन के अंदर 5-6 इंडियंस देखे होंगे यहाँ पे ज़्यादा करिए, बाकी सब तो बाकी अलग अलग कंट्री से आए थे। कल जहाँ पे मैं टूर करने गया था वहाँ भी इंडियंस थे नहीं, सिर्फ हम दोनों इंडियन ही थे। तो मेरा फ्रेंड लोग बात कर दी कि पूरे 50 लोग के बैच में सिर्फ हम दोनों इंडियन है। और जब हम खाना खाने बैठे थे और हमारा वेगन फूड जो आया, काकड़ी मिर्ची कैप्सिकम ये सब तेल में डाल के थोड़ा मसाला डाल के हमको दिया, तो हम लोग इतना जोर जोर से हंसे तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाया उस चीज़ का। तो फिर हमने खाया नहीं, मैंने थोड़ा ही खाया क्योंकि मैं नहीं खा पाऊँगा ये सब खाना। बड़ा मेरा दोस्त बोल रहा था कि बहुत अच्छा खाना है पर मैं नहीं खाता ये सब बैंगन और ये सब, तो मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया था उस चीज़ का। तो अभी हम लोग थोड़ा डाउन टाउन का ही टूर कर रहे हैं। आपको मैं बता रहा था कि कैसे क्या है यहाँ पे, आपको यहाँ पे हॉस्टल सब इजीली मिल जाएगा पर अभी नहीं मिलेगा, अभी सब फुल रहता है। तो हमेशा बुक करके आना और booking.com से ही बुक करना, और booking.com पे बुक करने के बाद जो होटल बुक किया है उसको एक दिन बाद कॉल करके बोला मैंने बुकिंग हुआ है, कंफर्म है कि नहीं, ये तो हमारे साथ हो जाएगा, हमने किया था वो पता नहीं हुआ है, तो हमेशा याद रखना। और आप कार्ड से भी बुक कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कुछ ₹1 कटेगा कंफर्मेशन के लिए, उसके बाद आप होटल में भी पे कर सकते हो, ऑप्शन रहते हैं वहाँ पे, तो बेटर है वो। तो अगेन यहाँ पे भी सेम ही है, आप देखोगे ऐसे ओपन रेस्टोरेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको मार्केट भी मिल जाएगा, जो अगर आप हॉस्टल में रहोगे तो आपको ये सब छोटे छोटे मार्केट्स है, यहाँ से आप सामान खरीद के अपने हॉस्टल में बना सकते हो। तो अगेन मैं आपको एक स्ट्रीट लेके जाना चाहता हूँ, ये स्ट्रीट भी सेम यहाँ पे, ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को कि स्ट्रीट के बीच में खाना खाओ और बहुत ही खूबसूरत है, आपको दिखा दो, ये देखिए। तो ये पूरा ऐसी ही है, छोटी छोटी गलियाँ यहाँ पे, बस घूम मत जाना और जहाँ से आए उतना पाठ याद रखना। तो आप देखो सब ये सब के सब फॉरेनर्स हैं यहाँ पे, यहाँ की लोकल पब्लिक आपको नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, एशियन रेस्टोरेंट्स भी है, और आपको अगर क्रोशिया का फूड पसंद हो तो क्रोशियन में तो बहुत सारी वेराइटीज़ है यहाँ पर, तो आपको सब टाइप के खाने मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर भी। तो हम थक गए इतनी सारी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, और भी इतनी सारी सीढ़ी है, और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो पूरा टाउन दिखेगा। थकान लगा दी बट ऐसा लग रहा है माता वैष्णो देवी के दार जा रहे हैं हम, इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। और अभी यहाँ से मुझे लग रहा है ऊपर से पूरा टॉप व्यू मिलेगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, जब ऊपर जाएंगे हम तो पूरा स्प्लिट का पूरा सिटी दिखेगा हम लोग को यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छी जगह ये, यहाँ पे बहुत कम क्राउड है और बहुत कम लोग ही आ रहे, और काफ़ी विंटेज जगह लग रही है मेरे को ये, पता नहीं यहाँ के लोग कैसे यहाँ पे आते रहेंगे। रोड तो है, मैं वही देख रहा था कि यहाँ के लोग ट्रैवल कैसे करते रहेंगे, कितनी सारी सीढ़ी चढ़ के, रोड तो कोई घर आएगा नहीं, लिफ्ट भी नहीं है। मैं देख रहा था पीछे साइड थोड़ा लंबे लंबे रोड्स हैं जहाँ पर लोग कार पार्क करते हैं, पर ये जगह बहुत सही है, अच्छी लगी मेरे को। आप साउंड भी देख रहे हो, आप साउंड भी देख रहे हो, चिक 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 चिक। अभी थोड़ा रेस्ट लेते हैं और फिर आगे चढ़ते हैं, और गर्मी लग रही है एक्चुअली, अभी वापस कपड़े निकालने का मन है, फिर कल ऑलरेडी इतना बात किया कि स्किन डार्क हो गई है। सो गाइस फाइनली जैसे मैंने बोला था कि यहाँ से पूरा व्यू दिखता है, तो यहाँ से पूरा टाउन दिखता है, और बहुत भीड़ है, आपको मैं दिखा दो, ये देखो पूरा टाउन दिखता है, ये पूरा सी साइड है। तो यहाँ हम गए थे कल आइलैंड टूर, और ये अपना पूरा डाउन टाउन है, और फिर इसके बाद भी फिर वो साइड भी बीच है, ये पूरा टाउन दिखता है, देखो आप कितने लोग हैं। तो ये एक्चुअली सेल्फी पॉइंट बोल सकते हो आप, यहाँ पे आके लोग सब फोटो खिंचाते। तो फाइनली इतनी सीढ़ी चढ़ के आना वर्थ हुआ, बहुत ही प्यारा व्यू है, और काफ़ी लोग यहाँ पर, आप देखोगे भीड़ तो काफ़ी है। और यहाँ पर रेस्टोरेंट है, आप देखो सामने गोरा, ये रेस्टोरेंट है,
तो यहाँ भी आप बैठ के एकदम व्यू का मज़ा उठा सकते हो। मैं आपको लेके चलता हूँ, ये देखो जैसे हम आएंगे पास तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखो पूरा व्यू दिख रहा है पूरा, ये देखो तो काफ़ी अच्छी जगह है, मज़ा आ गया मेरे को आखिर इतनी सीढ़ी चढ़ के आना यहाँ पे ऊपर। तो Which song you know? Which song you singing? Macedonia. Yeah, you are from Macedonia. But you know Indian song? Yeah. Which one? Aati rahegi bahare. Maine tu bas nahi mangi tu aari. Perfect. Yeah. Ah, you know that? Yeah. Oh, perfect. Yes. What are you doing in... Here? What are you doing here? Yeah. No, what are you doing in Split? You have Mercedes. You have Mercedes. This is Mercedes and cycle, and cycle BMW and Audi tire. Yeah, beautiful, beautiful. You're a big fan of Maradona. Yeah. Oh. Wow. You look like Maradona, you know. Yeah. You look like Maradona. Logo, uncle ne apna Maradona ka photo bhi lagaya hai. Dekho. Big fan, right? And you're from Macedonia. I have friends from Macedonia. Yeah, Tico, he's Shasha. Also Roma. He's also Roma. And one guy, Roma people. That guy is Roma. Indian blood. I know. See you, man. Thank you. Bye. Chisha Jan, apna. Actually, Roma people, आपको पता ना तो बता दूँ, Roma people एक आप जब YouTube पे डालोगे Roma people तो actually ये India से ही इन लोग गए हैं, इनका blood है India में। जब पार्टीशन हुआ था कुछ तो बहुत टाइम पहले की बात है, तो इनके कुछ लोग इंडिया से ही ट्रैवल कर के मैसेडोनिया पहुंच गए थे। तो ये रोमा पीपल आप यूट्यूब पे डालना तो देखो, उनको हिंदी गाना भी आता है। ऐसे बहुत लोग मिलते रहते हैं जो इंडिया में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं बात करने में। हम लोग यहीं पे अभी भी वेट करें, थोड़ा शाम हो जाए। और अभी बजे कुछ यहाँ पे 8, और आपको मैं यहाँ का नाइट स्ट्रीट एक्सप्लोर कराऊँगा, और शायद से हम आज के क्लब भी जाने वाले। तो फिलहाल अभी एटीएम जा रहे क्योंकि पैसे ख़त्म हो गए, तो निकाल लें। कम से कम अभी तक 4 भी नहीं हुए मैं दिन, आज तीसरा दिन है, और अभी तक हमारा 550 से 600 यूरो खर्चा हो चुका है। तो सबसे ज़्यादा महंगा तो यहाँ पे हॉस्टल पड़ा है क्योंकि थोड़ा इशू हो गया था, और अभी तक हमारा हमने आप समझ लो 600-700 यूरो खर्चे हो चुके अभी 2 से 3 दिन में। अभी दुब्रोवनिक भी जाना है, वहाँ पे कम से कम 300-400 यूरो खर्चा जाएगा ही आएगा, उसके बाद फिर रोमानिया का खर्चा लगा। तो ऑब्वियसली एक्सपेंस बढ़ जाता है जब आप घर से बाहर निकलते हो, हर चीज़ बाहर खानी पड़ती है तो एक्सपेंस बढ़ जाता है। एनीवेज ये तो चलो चलता रहेगा, आपको मैं यहाँ की नाइट स्ट्रीट दिखाता हूँ। ये देखें, अभी फ़िलहाल यहाँ पे ऐसा होता है कि 8 से 10 बजे के बीच अंधेरा होता है, इसके पहले ऐसे ही पूरा ऐसे ही रहता है नॉर्मल शाम के जैसा। तो अभी हम लोग ATM में आए हैं पैसा निकालने, तो पहले मैं पैसा निकाल लेता हूँ। सो अभी जस्ट मैं यहाँ पे बीच के पास बैठा हूँ, ये नाइट व्यू है यहाँ का। अभी नाइट हुआ नहीं है पर अभी 9 बज चुके हैं, तो यहाँ पे 10 बजे तक ऐसे ही रहता है, 10 बजे बाद अंधेरा होता है। और ये नंबर वाला चश्मा तो ऐसा मत समझना कि मेरे को दिख नहीं रहा है, मेरे को इसके बिना नहीं दिखेगा। और फिर अभी हम अंदर भी आपको मैं लेके जाऊँगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट दिखाता हूँ, अभी अनएक्सपेक्टेड क्राउड है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो अनएक्सपेक्टेड क्राउड है, आपको जैसे ऊपर दिखाऊंगा। तो बहुत क्राउड है, और अभी हमें थोड़ा भूख लगा है तो हमने सोचा कुछ खाने निकलते, तो थोड़ा फ्राइज चाहिए था खाने के लिए, तो हमने सोचा थोड़ा फ्राइज खाने निकलते। तो यहाँ ये वॉकिंग स्ट्रीट है, यहाँ पे आपको वाला आपको मार्केट से लेके आपको कुछ शॉपिंग करना वो भी मिल जाएगा, खाने की चीज़ें भी मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। कह रही है ये साइड पूरा शॉपिंग स्ट्रीट है, और बीच बीच में आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, आपको कुछ खाना हो तो ये रेस्टोरेंट से आप इसके अंदर भी जा सकते हो। ये वापस आपको ओल्ड वाइन दारू की दुकान है, और ये साइड देखोगे तो अपना ये बार है, अंदर जाओगे और यहाँ का चॉकलेट और वाइन बहुत फेमस है, ऐसा यहाँ के लोग बोलते हैं। तो वैसे डीप एंड फ्राइज बनाते हैं, तो फ्राइज के साथ मायोनीज सॉस मिलता है, और एक्चुअली यहाँ पे केचप का और मायोनीज का पैसा लगता है, तो पैकेज में मिलता है यहाँ पे 25 कूना में, तो सही है। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो वेगन यहाँ भी ऑप्शन मिल जाता है, वेगन यहाँ भी ऑप्शन मिल जाता है, और फिर आगे कहीं जाओगे तो आई डोंट थिंक सो ऑप्शन है, बट ये तीसक है, ये तीसक से आप सिम कार्ड खरीद सकते हो, आपका इंटरनेट रिचार्ज करो तो आप इंटरनेट रिचार्ज कर सकते हो,
और फिर सिगरेट बाय करना तो आप सिगरेट बाय कर सकते हो। जैसे इंडिया में पान की टपरी होती है तो यहाँ पे तीसक होता है और तंबाकू शॉप होता है, यहाँ से आप सिगरेट और छोटी मोटी चीज़ें खरीद सकते हो। और यहाँ पे और एक चीज़ अच्छी कि आपको अल्कोहल खरीदना हो ये सब शॉप से भी खरीद सकते हो।